बैठ मत कर जब पीछे तो आएगा पीछे तो आएगा यार मैं कहा खेलते नहीं आता अब मार देता उसको पूरे गेम में एक बार का चिकन डिनर होता वो भी नहीं मारते मैं बच गया थोड़ा सा और आगे तो इसके चक्कर नहीं होता टिंकल टिंकल इधर टिंकल करो कि उसको मारो यहाँ पर तू क्या टिंकल टिंकल यहाँ पढ़ने आएगी गेम खेलने आएगी पढ़ेगा यहाँ पे तू इधर स्ट्रीम स्ट्रीम नहीं बन जाएगा बल्ली काम करो गेम में छोड़ दे पढ़ाई कर लेते नहीं तो घर वाले और आके काम करेंगे तो कोई होने का नहीं पढ़ाई निकाल के साला जिंदगी में चलो चलो मैं करता हूं भी पढ़ेंगे अब बात कर ले ना दादा तेरे पेड़ पढ़ लू हमको भी पढ़ लिखने दे हमको भी हमारे घर को बताना है कि क्या पढ़ा हमने दिन भर टिंकल टिंकल इटली स्टार आवर वंडर वटी वाह क्यों प्यार कब से टिंकल टिंकल कर रहा है अरे वो बच्चे के जरा जरा से बच्चे के झूठे आते ना चुंचू वाले उसमें बच्चे टिंकल टिंकल उनकी गाड़ी में बजती है दूसरी पोयम पढ़ ले मेरी मम्मी ने बोला है कि आज पोयम नहीं मिली तो बहुत मारूंगी क्योंकि आज मेरी मम्मी की कितनी पार्टी है बहुत सारे जन आएंगे मेरे से सुनेंगे के तेरे घर में किटी पार्टी है तो तेरे वो तेरी मम्मी तेरे से पोयम पूछेगी अबे इसकी मम्मी तो पोयम ही पूछती है मेरा बाप तो अभी तक के पहाड़े पूछता है क्योंकि तेरा बाप हिटलर है अरे यार अपने मम्मी पापा अपने को बना कुछ बनाने के लिए नहीं पढ़ाते सब कुछ दिखाने के लिए पढ़ाते हैं अब एक दिन कल परसों के दिन वो एक सब्जी वाला आया ठेला लेके मेरी मम्मी को बोल रहे बेटा इधर आओ सब्जी वाले को ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ अरे सब्जी वाले को सुना के क्या तुमको फ्री में तो देगा सब्जी अब सब तो ऐसे ही है मेरे घर परसों दिल्ली से मेहमान आए काम की बात तो कुछ नहीं करेंगे बस ये फुकट की बात करेंगे मेरा लड़का तो ये स्कूल में मेरा लड़का तो ऑटो में जाता है मेरा लड़का तो लग्जरी बस में जाता है अरे ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा अरविंद केजरीवाल ही बनेगा ना सही बात है वो जो पार्ट में पड़ेगा ना वो केजरीवाल ही बन सकता है लेकिन जो गवर्नमेंट में बनेगा वो अभी लॉकडाउन में अरे सुन तो अब सुन थोड़ा अरे उनके कहने का मतलब है कि अभी लॉकडाउन में भगवान को भी समझ में आ गई कि बच्चे को थोड़ा सा फ्री कर देना चाहिए बहुत पढ़ी तो इतना एक साल की छुट्टी दे दी कोरोना भेज दिया मम्मी पापा अपने घर वालों को क्यों नहीं समझ में आता पढ़ो ये पढ़ो वो पढ़ो कौन कौन सी बुक दे देते ना जाने बोल दे तू भी बोल दे ये क्या कर रहा मेरे घर मेरी दीदी की शादी हुई तो लड़के वाले आ देखने के लिए मेरे पापा इतने बड़े वाले जो लड़का था और मेरे बीच कॉम्पिटिशन पहाड़े का रखा बोले कभी लड़का जो लड़की देखने वाला लड़का आया था बोले बोले तू जीत गया तो तेरी शादी हो जाएगी और कभी मेरा पूरा जीता तो शादी कैंसिल इसके दीदी की तो शादी हो गई मतलब इसके जीजा जी इससे जीत गए पढ़ाई नहीं आते क्योंकि मेरे दादा की आखिरी इच्छा है कि बेटा मेरे को टिंकल टिंकल किस्सा सुना देना अब दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपने मम्मी पापा ने अपना बैंड बजा दिया यार बस तुम्हारे तो कुछ भी नहीं है मैं तो तुमसे बड़ा हूँ ना कॉलेज में हूँ मेरे को तब पढ़ना पड़ता है और मैं पढ़ता भी हूँ अब पता है तुमको पता है मेरे घर पे मेरा मेहमान आते हैं
तो अभी यार मम्मी बोलती पापा पानी पिला दे, तो मैं पापा पे पिला देता हूँ, तो मेरे को बिठा दिए, बिठा लेते। बिठा क्या कर रहा, कौन सी कॉलेज, क्या बता दो, ऊपर से सवाल करेंगे। तो ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा, अरे तो कोई सर्वर हो क्या तुम हमारे, जो ये पूछ रहे ये पढ़ेगा वो पढ़ेगा। अरे प्रॉमिस करते हैं, मैं कहते सब्जी वाले को पोएम नहीं सुनाऊंगा, और मैं अगर मेरा दादा मर भी जाए तो मैं टिंकल टिंकल नहीं सुनाऊंगा, कुंवारी भी ले जाए तो मैं पहाड़ नहीं सुनाऊंगा, दिल्ली वाले मेहमानों को मैं लात मार के निकालूंगा। ओ बेटा मैं तो जे डाल के मार दूंगा मेहमानों का। अरे मेरा 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 हेलो। हेलो टिंकू। हाँ मम्मा। क्या कर रहे हो बेटा? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा वो वाली पोयम याद कर ली आपने? हाँ 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 अरे वाह, चलो आ जाओ जल्दी से, मेरी कुछ सहेलियाँ आई हैं, उनको वो वाली पोयम सुना दो प्लीज। हाँ मम्मी आ रहा हूँ। बकरा यार हो गया।